Welcome to the Animal Kingdom Study Easy Part 3 Section C video session. In this session, we will discuss about the phylum Orthopoda, phylum Mollusca and phylum Echinodermates. Okay, Orthopoda ki baat karein, to generally ortho means hota hai jointed and poda means hota hai foot. Means, inke jitne bhi appendages honge, wo body se jointed honge, attached honge. Orthopoda ke ek aur main feature hota hai that it is the largest phylum in the animal kingdom. So many species, number of species are belongs to this phylum. Okay, now let's come to their basis of classifications and their functional system. Habitat ki baat karein to generally inke jo organisms hote hain wo mostly terrestrial hote hain, but some usme aquatic living bhi hote hain. Body symmetry, inka bilateral symmetry hota hai. Level of organ, inka organ system level of organization milta hai. Germ layer is triploblastic in conditions. Nature of coelom, they are true coelomatic organisms, that is eucoelomates or coelomates. Now next come to the digestive system. Digestive system in organisms mein well developed hota hai. Inka jo gut region hota hai wo teen parts mein divided hota hai. Foregut, midgut and hindgut. ये सभी गट डिफरेंट डिफरेंट डाइजेशन फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एक्सक्रीशन सिस्टम की बात करें तो जनरली इसमें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स और ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि एज अ किडनी वर्क करते हैं और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. यू कैन ऑल्सो सी द फिगर ऑफ ग्रीन ग्लैंड्स इन दिस फिगर. हियर अ ब्लैक पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड टू बी रिजेंबलिंग अ ग्रीन ग्लैंड. इसको हम एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये एंटीना के पास ये ग्लैंड पाई जाती है. इसका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, इसलिए इसको ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ग्रीन कलर ऑल्सो. ओके, यू कैन सी हियर दिस इज अ काइंड ऑफ पेयर ऑफ बंचेस ऑफ नर्व कॉर्ड्स. इट्स अ हार्ट, स्टमक, आई एंड इट्स माउथ पार्ट. ओके, नेक्स्ट कम टू दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे ही बोला कि एक्वेटिक है और टेरेस्ट्रियल दोनों है, तो इसमें लिविंग एरिया के अकॉर्डिंग इनमें बॉडी सर्फेसिस के थ्रू भी, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू भी होता है रेस्पिरेशन, गिल्स के थ्रू भी होता है. इसमें ट्रैकल सिस्टम्स होती हैं और इसमें एक और होती है बुक लंग्स जिन्हें बोलते हैं, जिनके ओपनिंग्स को बोलते हैं स्पायरिकल्स. ये बुक लंग्स होती हैं ट्रैकल सिस्टम्स की जो कि जनरली रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं. नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें ब्रेन और नर्व कॉर्ड्स होते हैं. यहाँ हमने दिखाया है गैंग्लियन नर्व कॉर्ड्स होते हैं जो कि बंचेज में नर्व्स होती हैं और सिग्नल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करती हैं. नाउ कम टू द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें बात करें तो ये ओपन टाइप होता है, इसमें हार्ट प्रेजेंट होता है, बट ये ओपन टाइप सर्कुलेशन सिस्टम होता है. मतलब इसमें ब्लड और बॉडी फ्लूइड आपस में मिक्स्ड होते हैं, इनके लिए कोई दो अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है. ठीक है, तो ये एक ओपन हार्ट सिस्टम सर्कुलेशन इसमें पाया जाता है. नाउ नेक्स्ट कम टू द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डायमॉर्फिज्म होता है, दो सेक्सेस इनके सेपरेट्स होते हैं, मेल अलग होते हैं और फीमेल बॉडी अलग होती है. ओके, कम टू द स्पेशल फीचर्स. स्पेशल फीचर्स में इनका जनरली जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है और इनके बॉडी को तीन रीजन्स में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. हेड इज द एंटीनल पार्ट, थोरैक्स इज द नेक पार्ट एंड एब्डोमेन इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, इसमें और इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं, इनमें थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं, मतलब टोटल सिक्स लेग्स पाए जाते हैं. एंड द थर्ड फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड आई एंड एंटीना. कंपाउंड आई क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आईज होते हैं जो कि एक लार्ज कंपाउंड आई फॉर्म करते हैं जो कि इनका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है. प्लस इसमें प्रेजेंस ऑफ एंटीना भी होता है और इनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है, जो इनकी बॉडी होती है, वो काइटिन प्रोटीन से बनी होती है. इसमें कोई बोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम मोलस्का. फाइलम मोलस्का की बात करें तो जनरली मोलस्का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी. ओके, तो इनकी बॉडी में भी कोई बोन्स नहीं होते हैं, नो स्पाइंस होते हैं. इनमें भी जनरली इनका बॉडी जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यूज से बना होता है. ओके, नाउ कम टू दियर कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट. मोलस्कन के ऑर्गेनिजम्स भी जनरली एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन लिविंग होते हैं. बॉडी सिमेट्री इसमें भी बायलेटरल सिमेट्री होती है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम. जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड नेचर ऑफ सिलोम इज यू सिलोमेट या फिर ट्रू सिलोम. डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें भी कंप्लीट होता है, वेल डेवलप्ड होता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इसमें मेटानेफ्रीडिया पेयर मिलते हैं लाइक किडनी की तरह जो कि परफॉर्म करते हैं. रेस्पिरेशन इसमें भी गिल्स के थ्रू या फिर लंग्स के थ्रू
परफॉर्म होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्लोज्ड होता है, ऑर्थोपोडा में ओपन था बट इसमें क्लोज्ड है। बॉडी फ्लूइड और ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ओके, गैंग्लियन नर्व्स की बात करें तो इसमें भी 3 pairs ऑफ गैंग्लियंस मिलते हैं, सेरेब्रल रीजन पे, विसरल रीजन पे और पेडल रीजन पे, जो कि मैसेज सिग्नलिंग करने में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल होते हैं, दे आर डायोशियस इन नेचर, मीन्स बाइसेक्सुअल्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू दियर कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स की बात करें तो इन्हें गैस्ट्रोपॉड्स भी कहा जाता है, एंड स्पेशल फीचर्स इफ कम्स देन, वैसे हमने पहले ही पढ़ा कि मोलस्क का मतलब होता है सॉफ्ट। ओके, सो देयर बॉडी इज सॉफ्ट एंड नो सेगमेंटेशन इज फाउंड हियर, जो कि ऑर्थोपोडा में मिलता था, बट फाइलम मोलस्क में कोई भी सेगमेंट्स नहीं मिलता है। इनकी बॉडी जनरली हेड, फूड और मिसरल मास में डिवाइडेड होती है। बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है बाय मेंटल एंड शेल से। ओके, एंड इसमें रिट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये अपने बॉडी के शेल से बाहर हो जाते हैं और वापस से अंदर भी उस शेल के अंदर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं रिट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू दैट विसरल मास क्या, हेड मतलब पता है हेड रीजन्स जिसमें माउथ और एंटीना होंगे, फुट रीजन्स पता है, विसरल मास क्या होता है ये जान लेते हैं। विसरल मास या हम्प क्या होता है, एक हम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी सिस्टम्स, फंक्शनल सिस्टम, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्टिव हो, सारे ऑर्गन्स उसके हम्प रीजन के नीचे होते हैं। कि व्हाट इज विसरल मास, इट होल्ड्स अ बल्क ऑफ सिस्टम इन्वॉल्विंग डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। ओके, तो ये हो गया विसरल मास। विसरल मास की बात करें तो जनरली विसरल मास शेल और मेंटल बॉडी से बना होता है। मेंटल एक टिश्यू सिस्टम है जो कि सभी सारे बॉडी सिस्टम्स को कवर किया रहता है, और इस मेंटल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक कैल्शियम कार्बोनेट की शेल बनी होती है। ओके, यू कैन सी हियर विद दिस फिगर, इट्स अ हेड रीजन, इट्स अ फुट रीजन एंड द सेंट्रल रीजन इज कॉल्ड विसरल हम्प और विसरल मास, जो कि जनरली शेल से, जो कि आउटर मोस्ट बॉडी है, शेल के नीचे एक मेंटल रीजन है जो कि टिश्यू लेयर है, उस रीजन के नीचे अंदर बहुत सारे बॉडी सिस्टम्स पाए जाते हैं। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट हियर, यू कैन ऑल्सो सी हियर बाय दिस कलरफुल फिगर, द लास्ट पोर्शन दैट इज द रेड पोर्शन is total is that combinedly called as visceral mass. This black portion is shell body part, this blue portion is a mental part, and this region is the bulk of body systems. Okay, so ye tha inka main characteristics molluscans ka. Examples ki baat karein to isme octopus hai, snails hai, these are the most common examples. Now let's come to the next phylum, that is echinodermates. Echinodermates ka matlab hota hai बॉडी पे स्पाइंस होना, इकाइंस मतलब स्पाइंस प्लस डर्मेटा मतलब होता है स्किन्स। ओके, तो इनमें जनरली स्किन्स के ऊपर स्पाइंस मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू दियर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स। ओके, इसकी बात करें तो जनरली इनका हैबिटेट मैराइन लिविंग इन नेचर्स होते हैं, जनरली ये सी एरियाज में मिलते हैं। बॉडी सिमेट्री इसमें जनरली रेडियल सिमेट्री होती है, इनका लार्वल स्टेज में बायलेटरल होता है, बट जो इनके एडल्ट्स होते हैं वो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। ओके, मतलब किसी भी एंगल पे कट करेंगे तो बॉडी टू पार्ट्स या टू से अधिक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें ऑर्गन सिस्टम्स है, जर्म लेयर इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। नेचर ऑफ सिलोम, देयर आल्सो अ सिलियोमेट ऑर्गेनिजम्स। नाउ कम टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ टू एनस पार्ट होता है। माउथ इनका वेंट्रल साइड पे होता है एंड एनस इनका डॉर्सल साइड पे होता है। द अपर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड डॉर्सल पार्ट विच हैव्स अ ओपनिंग कॉल्ड एनस, एंड द लोअर बॉडी पार्ट दैट इज अ डाउन बॉडी पार्ट इज हैव एन ओपनिंग वेंट्रल साइड एंड इज अ ओपनिंग कॉल्ड माउथ। ओके, नेक्स्ट कम टू द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन सिस्टम इसमें एबसेंट होता है, इसमें कोई भी एक्सक्रीशनरी ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं। रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दे आर एक्वेटिक एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सर्कुलेशन इसमें भी रिड्यूस्ड होता है, इसमें कोई भी हार्ट प्रेजेंट नहीं होता, और ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। नर्वस सिस्टम इसमें एबसेंट होते हैं, इसमें कोई भी ब्रेन्स नहीं होते, दैट्स व्हाई दे आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन लेस ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल इज जनरली डन बाय रीजनरेशन प्रोसेस एंड सेक्सुअल इज बाय द गैमेटिक फ्यूजन्स। स्पेशल फीचर्स, तो इसमें 3-4 स्पेशल फीचर्स हैं। सबसे पहला स्पेशल फीचर्स इसमें है दैट इनकी बॉडी पे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। इनका रोल क्या होता है, प्रोटेक्शंस करने में एंड लोकोमोशंस करने में ये हेल्प करते हैं। फिर इसमें एक और ऑर्गन मिलता है जिसको बोलते हैं ट्यूब फीट्स।
ट्यूब फीड्स का काम होता है कि वो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, फीडिंग में हेल्प करेंगे और रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। इनकी बॉडी में भी कोई सेगमेंट्स नहीं मिलते हैं और इसमें भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम्स पाए जाते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे कैनाल्स होते हैं जो कि ट्यूब फीड से कनेक्टेड होते हैं, जो कि इनके बॉडी में फीडिंग करने के लिए, रेस्पिरेशंस करने के लिए फूड पार्टिकल्स को और ऑक्सीजन गैस को इस ट्यूब फीड के थ्रू कैनाल सिस्टम्स में बॉडी में ट्रांसफर करता है। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है स्टार फिश। ओके, इट्स अ मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स। सो इट इज ऑल अबाउट द फाइलम इकाइनोडर्मिस। नाउ कम टू दियर टैबुलर रिप्रेजेंटेशंस। नाउ लेट्स डिस्कस दियर टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोपोडास, मोलस्कंस एंड इकाइनोडर्मिस, तीनों में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। सिमेट्री इन दोनों में बाइलेटरल होती है, फाइलम ऑर्थोपोडा मोलस्का में, बट रेडियल सिमेट्री मिलती है इकाइनोडर्मिस के अडल्ट स्टेज में। ओके, जर्म लेयर की बात करें तो तीनों में ही ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशंस है, नेचर ऑफ सिलोम तीनों में ही सिलियोमेटिक है। नाउ अगर सर्कुलेशन की बात करें तो ऑर्थोपोडास में हार्ट तो प्रेजेंट होते हैं बट ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वहीं मोलस्कंस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इकाइनोडर्मिस में भी ओपन होता है, इसमें हार्ट एब्सेंट होते हैं। नाउ एक्सक्रीशन की बात करें तो ऑर्थोपोडास में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसमें ग्रीन ग्लैंड्स मिलती हैं और मालपिजियन ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, मोलस्कंस में किडनी मिलते हैं एंड इकाइनोडर्मिस में एक्सक्रीशन एब्सेंट होता है, वो सब ट्यूब फीड्स के ही थ्रू होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू दियर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्थोपोडा में वेल डेवलप्ड होता है, इनका रीजन डिवाइडेड होता है फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में, मोलस्कंस में भी कंप्लीट होता है और इकाइनोडर्मिस में भी कंप्लीट होता है माउथ टू एनस के साथ। रेस्पिरेशन जनरली इसमें बॉडी से होता है, गिल्स से होता है, ऑर्थोपोडा में बुक लंग से होता है और ट्रैकियल सिस्टम से होता है, वहीं मोलस्कंस में दे आर जनरली रेस्पायर थ्रू गिल्स एंड लंग्स। इकाइनोडर्मिस की बात करें तो उसमें टोटली गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। नाउ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल होता है और ये ऑर्थोपोडास में डाइमॉर्फिजम्स हैं। डाइमॉर्फिजम्स इन द टू डिफरेंट सेक्सेस आर प्रेजेंट। वहीं मोलस्कंस की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें भी डाइमॉर्फिजम्स हैं, लेकिन इकाइनोडर्मिस में सेक्सुअल भी होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है थ्रू रीजनरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट कम टू दियर नर्वस सिस्टम्स। ऑर्थोपोडा के नर्वस सिस्टम्स की बात करें तो इसमें ब्रेन और नर्व कॉर्ड्स दोनों होते हैं, मोलस्कंस में भी गैंग्लियॉन्स मिलते हैं, इकाइनोडर्मिस में नर्वस सिस्टम्स एब्सेंट होता है। ओके, स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ऑर्थोपोडा की बॉडी सेगमेंटेड होती है थ्री रीजन्स में, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेंस में। इसमें थ्री पेयर्स ऑफ लेग, जॉइंटेड लेग्स मिलते हैं, प्लस इसमें कंपाउंड आई मिलती है और एंटीना प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर वहीं मोलस्कंस की बात करें तो इसमें हेड, फुट और विसरल मास में बॉडी डिवाइडेड होती है। विसरल मास इज अ कंबाइंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मेंटल एंड शेल। इकाइनोडर्मिस में जनरली स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स उनके होते हैं, उसमें ट्यूब फिट प्रेजेंट्स होते हैं और वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। हैबिटेट की बात करें तो जनरली ऑर्थोपोडन्स आर टेरेस्ट्रियल्स एंड एक्वाटिक इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इकाइनोडर्मिस आर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल्स एंड सॉरी मोलस्कंस आर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल्स एंड इकाइनोडर्मिस आर टोटली एक्वाटिक इन नेचर्स। फॉर एग्जाम्पल्स, इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज कम टू द फाइलम ऑर्थोपोड्स, यूनियो स्नेल्स एंड ऑक्टोपस कम टू द फाइलम मोलस्कंस एंड स्टार फिश एंड मेनी अदर्स ऑर्गेनिजम्स कम्स इन टू द फाइलम इकाइनोडर्मिस। सो इट्स ऑल अ टैबुलर फॉर्म ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम मोलस्का एंड फाइलम इकाइनोडर्मिस। ओके, नाउ थैंक यू।